दिस इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग निकोलॉजी। चाणक्य नीति प्रथम अध्याय श्लोक पांचवा, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। आचार्य चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि ये चार चीजें किसी भी व्यक्ति के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है, जिसमें एक दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला यानी कि आपके मुंह लगने वाला नौकर, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। घर में रहने वाले सांप को भी मार देना चाहिए। ऐसा ना करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खतरा बना रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए उसकी पत्नी उसका एक अहम हिस्सा होती है और पत्नी का दुष्ट होना मृत्यु के समान ही माना जाता है। अगर उसकी पत्नी दुष्ट है और समझदार नहीं है, जो किसी भी बात पर वो समझती नहीं, तो वो आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। और यही चीज स्त्री पर भी लागू होती है। अगर उसका पति उसकी बातों को समझता नहीं या फिर उसकी बातों को टालता रहता है या फिर वो दुष्ट है, किसी अन्य स्त्री के साथ उसका संबंध है, तो उस स्त्री के लिए वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है और वो दुष्ट व्यक्ति माना जाएगा। इसीलिए ऐसी स्त्री या फिर ऐसे पुरुष को अपनी जिंदगी से दूर रखना ही अच्छा रहता है। यही लोग आपके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। वैसे चाणक्य ने इस नीति में सिर्फ स्त्री के लिए बोला है कि एक दुष्ट पत्नी से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर ऐसा पुरुष भी हुआ तो स्त्री को उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री या फिर ऐसा पुरुष जीवन में दुख का कारण बना रहता है। उसी तरह एक नीच व्यक्ति, एक द्रुत व्यक्ति, यानी कि वो अगर आपका दोस्त है, आपका मित्र है और आपके आसपास आकर बैठता है, तो वो आपके लिए अहितकारी हो सकता है, यानी कि वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। यानी कि आपका कोई मित्र है जो आपसे भी झूठ बोलता है और आपसे जो भी बात सुनी है वो किसी और को जाकर झूठ बोलता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वैसे हम सब जानते हैं कि एक छोटा सा झूठ किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, तो ऐसे दोस्तों से बचकर रहना जरूरी है। फिर चाणक्य आगे कहते हैं कि एक सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेद जानता है। वैसे अभी के समय में सेवक तो नहीं होते, मगर नौकर काफी लोगों के घर में होते हैं और हमारे इंडिया में नौकरों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार होता है और उसको हमारे घर की जो भी प्रॉब्लम्स है एंड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताई जाती है एंड छोटे छोटे जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी वो जानता होता है। मान लीजिए ऐसा नौकर है जो सभी चीज़ें जानता है और आपकी बातें ना मानता हो और आपके सामने मुंह बोलता हो, कुछ समय के बाद अगर उसके मन में कुछ नेगेटिविटी आती है तो वो आपकी बातें घर के बाहर भी कर सकता है, यानी कि आपके जो भी सीक्रेट्स है वो बाहर भी जा सकते हैं, तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है या फिर वो मुसीबत का कारण भी बन सकता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि ऐसे नौकर से भी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस नीति में चाणक्य यही कहते हैं कि एक दुष्ट स्त्री, छली मित्र व मुंह लगा नौकर भी कभी समय पड़ने पर धोखा दे सकता है। ऐसे में पति पत्नी को एक दूसरे को समझना होगा और ऐसे मित्र को साथ रखना है जो समझदार और विश्वसनीय हो, और जो भी नौकर है उसको स्वामी के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। अगर इससे विपरीत यानी कि ऑपोजिट अगर होता है तो इंसान कष्ट ही कष्ट में रहता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि ये चार मृत्यु के समान है। सो दैट्स इट, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दिस इज नीरज साइनिंग आउट। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।